स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तवक्कल ट्यूटोरियल्स। तो आज हम अपना पढ़ने वाले प्रैक्टिस शीट पेपर नंबर वन मैक्स वन का, ठीक है, 2022 का। आप सबके पास वो बुक होगा अगर मेरे हिसाब से, तो उसका पेपर नंबर वन खोल लो और स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। पेंसिल, रबर, इरेजर जो भी लगे आपको निकाल के बैठो, खाली बस वीडियो मत देखना और लिखना भी थोड़ा सा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर वन ए देखते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर वन ए चूज द करेक्ट ऑप्शन होता है। हर कोई भी सेट रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर वन आपका हमेशा चूज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा, याद रखना। 4 मार्क्स ले आएगा ये, ओके। इसमें पहला क्वेश्चन है अपने पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज वन। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है अपना ए, तो अपने को ए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। और nth टर्म इज 20। nth टर्म मतलब क्या, टी एन, ये अपने को दिया हुआ है 20, ओके। उसका दिया हुआ अपने को SN is equal to 399, तो SN is equal to 399। देखो मैं आप लोग को सजेस्ट यही करूंगा कि सबसे पहले आप लोग इसका बुक ले लो, ये बुक रहेगा मार्केट में, आप जाके ले लो, इससे बहुत हेल्प होती है। इसके अंदर आपको मराठी, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री सारे मिल जाएंगे। मैं खाली बस मैक्स वन मैक्स टू का आपको बता सकता हूँ इसके अंदर का। ये बुक अगर आपने ले लिया तो आपका बहुत हेल्प हो जाएगा 2022 के पेपर में, ठीक है। तो ये आपने अपने को निकालने बोल रहा है, एन निकाल के दिखाइए। इजी है बहुत ज्यादा, एक सिंपल सा एकदम फॉर्मूला बताता हूं मैं, क्या फॉर्मूला रहेगा ध्यान से देखिए। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टी एन प्लस टी वन। सिंपल सा फॉर्मूला है, टी एन भी पता है, टी वन भी पता है, एन अपॉन टू का नहीं पता, चलो छोड़ दो, एस एन तो पता है हम लोगों को 399। तो कैसे करें ध्यान से देखना, एस एन मतलब क्या, 399 इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टी एन क्या है अपना 20 और टी वन कितना अपना 1। हम लोग को पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, याद रखना हमेशा, यही आपका टी वन है। इसको प्लस कर देंगे तो कितना 21 हो जाएगा आपका। तो 399 इज इक्वल टू एन अपॉन टू 21। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में लेके आ जाएंगे, डिवाइड में है, और इसको ऊपर है तो उसको नीचे लेके आ जाएंगे। तो देखो इस तरह हो जाएगा आपका, एक साथ 2-3 काम कर लेने का एन, ठीक है। अब काटो, 3 के टेबल से काट दो, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9 और 3 7 21। फिर किससे काटेंगे, 7 के टेबल से काट दो आप, अगर आता है आपको तो 7 7 7 7 7 बचा 6, 7 9 और 19 2 38। तो आपका एन कितना आता है 38। देखिए ऑप्शन में 38 होगा, वो आपका आंसर रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है अ डाई इज रोल्ड। डाई मतलब क्या, लूडो में खेलते ना हम लोग, गोटी इसको बोलते हैं, वो हम लोगों ने फिराया। तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है बच्चा, 1 2 3 4 5 and 6। और एन ऑफ एस बताओ क्या रहेगा इसका, फिर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा अब क्या बोलता हम लोगों को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहे हो, ऑफ एन इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर मतलब क्या, इवन नंबर की बात करता है अपने से, अपने को डरा रहा है वो, तो क्या रहेगा बताइए जरा। इवन नंबर रहेगा अपना 2 4 और 6, ले डरा दिया ना, डर गए हम लोग, लिख गया 2 4 6। तो एन ऑफ ए कितना रहेगा इसका, 3। तो पी ऑफ ए हम लोग को ये निकालना है, खुशमत हो जाना कि देखो 6 आ गया, 3 आ गया, 6 और 3 ऑप्शन मिलता है, मार दो कट, तुक्का नहीं मारने का, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो एक एक मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं वो तो बहुत ईजी होते हैं, लेकिन आपका एक भी गलती आपकी जान ले सकती है, समझ गए ना। हाँ तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए मतलब 3, एन ऑफ एस मतलब 6, आप इसको काट डालो, 3 1 3 2 तो आपका पी ऑफ ए आ जाता है 1/2। ये आपका दूसरा आंसर आ गया, आपका हाफ ऑप्शन रहेगा, आप टिक कर लेना। देखिए अभी अपना तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, 5 - 7 3 - 4। बहुत सिंपल है, जल्दी हो जाएगा, कैसे करिए ऐसे देखना। इसको आप पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, -4 से, वेरी गुड। और 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, -7 से, तो 3 × -7, ओके। फिर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा -20, राइट, और यहां पे माइनस लगा देंगे और 7 3 21, ये भी माइनस रहेगा। आप इसे इसका साइन मत समझ लेना, ये अपना फॉर्मूले का साइन है, इसे अलग रखना। तो -20 इधर पे रखेंगे, -, -, +, 20 इधर पे डाल देंगे, +, -, -, 21 में से 20 गया, 1 बचा, आपका आंसर आ गया, सिंपल है ना। हाँ अभी फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते जरा।
हम लोग को बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट्स 3 and 5। रूट्स 3 and 5 अपने को बोल रहा है कि आप ऐसा कोई ऑप्शन चुनना जिसका रूट 3 और 5 हो, ठीक है। तो 3 और 5 रूट होना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज सिखाया था पार्ट वन में, क्या सिखाया था देखो जरा। ये 3 है तो इसको बोल देंगे हम लोग अल्फा, ये 5 है इसको हम लोग बोल देंगे बीटा, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे अल्फा और बीटा, प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका 3 plus 5 जो कि हो जाएगा आपका 8। और फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या 3 multiply by 15 ये हो जाएगा आपका 3 multiply by 5 ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब लिखने का यहाँ पे required quadratic equation, क्या है required quadratic equation जरा बताइए मुझे, नहीं याद है, याद कर लो उसको प्लीज। x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0, बहुत ईजी है ना। हाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बताओ क्या है अपना 8 है, 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा बताओ क्या है 15, ये आपका 15 is equal to 0। देखो ये ऑप्शन अगर रहा आपका उसके अंदर तो ये आपका आंसर है, सिंपल है ना। ओके तो यहां पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ठीक है, देख लो इसके। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या लिखा हुआ है देखिए जरा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सिंपल है, देखते कैसे कैसे करेंगे इसको सॉल्व। 4 marks के लिए ये भी रहेगा, ठीक है, देखिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका बोल रहा है अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, अपने को ए और बी का वैल्यू निकालना है, मतलब अपने को क्या निकालना है ए और बी निकालना है। और यहां पे दिया हुआ अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या देखो इक्वेशन दिया अपने को 5x square minus 7 is equal to -6x। तो सबसे पहले आप इसको सही कर देंगे, तो सही करने के लिए हम लोग को इसका लिखना पड़ता है ऐसा, अरेंजिंग इन, ये लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे अरेंजिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्या रहेगा इस चीज का, क्या तो बताइए जरा, ax square plus bx plus c is equal to 0। तो क्या हो जाएगा इधर पर रेंज में 5x square के पास ये वाला, क्योंकि बीच में ही होना चाहिए, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा +6x। यहां पे यही ऐसे ही रहेगा, तो खाली सरका दिया, तो सरकाने पे खाली साइन चेंज नहीं होता है, चेंज आप जब इज इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ करोगे तो ये साइन चेंज होगा इज इक्वल टू 0। अब बताइए जरा इसका ए क्या रहेगा, 5 पहला नंबर ए, दूसरा बी क्या रहेगा इसका 6 और सी क्या रहेगा इसका -7। तो अपना देखो बी भी आ गया और अपना ए आ गया, तो जिसका आंसर ए और ए 5 रहेगा और बी 6 रहेगा वही आंसर सही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस चीज का। क्वेश्चन नंबर टू बोला हुआ है कि 1 coin and 1 die आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। अपने को ये नहीं बोला है कि निकालिए प्रोबेबिलिटी, अपने को बोला है खाली इसका सैंपल स्पेस बताओ क्या रहेगा। तो सिंपल है, सैंपल स्पेस बताइए जरा क्या रहेगा, देखते हैं। एक हेड और एक डाई, तो हो सकता एक कॉइन और एक डाई बोला हुआ है, तो हेड 1 हो सकता है, हेड 2 हो सकता है, हेड 3 हो सकता है, हेड 4 हो सकता है, हेड 5 हो सकता है, हेड 6 हो सकता है, और फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। यहां पे आपका खत्म हो गया, और एन ऑफ एस बताइए जरा कितना रहेगा, 12 रहेगा, राइट। 6 head में आ सकता है और 6 tail में आ सकता है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही लिखना है आपको उसके अंदर भी, ऐसे ही लिखना है बस। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट बिलो इट। बहुत ईजी है, ध्यान से समझना इस चीज को। आपके सामने एक मैंने कार्टेशियन सिस्टम बना दिया, पढ़ा है आप लोगों ने इसको ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। यहां पे 0 होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, हमेशा इस साइड को हम लोग बोलते हैं राइट साइड, याद रखना राइट साइड। ये रहेगा आपका लेफ्ट साइड, ये रहेगा आपका अबव वाला हिस्सा, और ये होता है आपका बिलो वाला हिस्सा, ठीक है। ये रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगा पॉजिटिव, लेकिन ये होता है नेगेटिव और ये होता है नेगेटिव, मतलब इस पे जितने वैल्यू आएंगे सब नेगेटिव रहेंगे,
इस पे जितने वैल्यू आएंगे सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसके अंदर जितने वैल्यू आएंगे सब पॉजिटिव रहेंगे और इसके अंदर जितने वैल्यू आएंगे सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, अपने को बोल रहा है कि एक लाइन है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस को। अब बताइए जरा, लाइन है कोई जो एक्स एक्सिस को पैरेलल रहे और इंटरसेक्ट करता है अपने वाई एक्सिस को, या तो एक वो ऊपर हो सकता है, ऊपर कहीं पे मिल जाएगा आपको, या तो नहीं नीचे कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने को बोला हुआ है, देखिए बोला हुआ है कि बिलो, बिलो मतलब नीचे, और नीचे कहां पे, पांच पे, पांच पे, पांच मतलब यहां, यहां कहीं मिलेगा अपने को। तो इसके ऊपर बना दिया मैंने कैसा, और ये समझो फाइव है। तो इसको कोऑर्डिनेट लिखना है अपने को, तो कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बताइए जरा, सबसे पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, वो भी माइनस क्यों रहेगा बताओ जरा इसको, क्योंकि नेगेटिव है। तो कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, तो कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू एक्स है नहीं तो जीरो, क्योंकि यहां पे एक्स में कहां जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो एक्स जीरो, और वो माइनस फाइव किसका रहेगा, वाई करेगा। तो आपको कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, जीरो कॉमा माइनस फाइव। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं इसका भी। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, वॉट इज द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर, टेन नेचुरल नंबर का बोल रहे हैं। तो टेन नेचुरल नंबर का एपी बना दो। पहला नंबर क्या है, नेचुरल नंबर बोला हुआ है। तो एक होता है नेचुरल नंबर जो कि वन से स्टार्ट होता है, एक होता है होल नंबर जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, एक रहता है इंटीजर जो कि जीरो वन टू और माइनस में भी रहता है। तो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो कहां से स्टार्ट होगा, वो वन से स्टार्ट होगा। तो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। तो इसका ए क्या रहेगा आपका वन, डी क्या रहेगा टी टू माइनस टू, मतलब पहले में से छोटा वाला माइनस कर दो, मतलब बाद वाले से पहला वाला, बाद वाले से पहला वाला, मतलब बाद में कौन है जो भी नंबर उसको पहले वाले से। फोर में से थ्री माइनस कर दिया कितना बच गया अपना वन, तो डी आ गया वन। और एन टेन लेने बोल रहे हैं, दस फ्लोर का निकालने बोला है। एस टेन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन द होल डी। ओके, तो एस टेन, एन कितना रहेगा टेन, ये टू आ गया इधर पे, टू इंटू ए कितना है आपका वन है, प्लस एन कितना है आपका टेन है वन, और डी कितना है आपका वन है। ठीक है, तो इसको अगर आप काटेंगे तो आ जाएगा फाइव, टू वन जा टू, प्लस टेन में से एक माइनस कर देंगे नाइन आ जाएगा, और नाइन वन जा नाइन ही रहेगा। आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चे देखो गलती बताओ क्या करते, ध्यान से देखना, वो पहले इसको प्लस कर देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो गलत रहेगा, पहले आप मल्टीप्लाई करो। एक होता है बॉड मास का रूल, आप बॉड मास के रूल को हमेशा जिंदगी भर यूज करना। बॉड मास के रूल में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है, ब्रैकेट अभी मेरे पास है। ऑफ का मतलब पहले मल्टीप्लाई करो, फिर यहां पे प्लस आता है ऐड करने के लिए वैसा। तो फाइव पहले आप मल्टीप्लाई, नाइन वन जा नाइन, तो टू प्लस नाइन, फाइव इंटू इलेवन प्लस कर देंगे ना, तो खुल जाएगा ब्रैकेट, तो आंसर आ गया आपका 55। तो आपका आंसर क्या रहेगा इस चीज का, 55 आंसर रहेगा। ओके, तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर वन का भी एंड होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू का ए। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर टू का ए। क्वेश्चन नंबर टू का ए है एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन। एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है मतलब क्या, इसमें बॉक्स आएंगे, आपको बॉक्स के फॉर्म में आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी फोर मार्क्स का है, लेकिन आपको खाली करना पड़ेगा एनी टू। आप करेंगे एनी टू और मार्क्स मिलेगा आपको चार। इतना आसान है ना, नहीं, देखते जरा इसको, बहुत आसान है, ध्यान से देखना बस। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो मैं खाली बॉक्स में बता रहा हूं आंसर क्या पुट करना रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं मैं आपको। देखो लिखा हुआ है इसके अंदर 11x plus 6y is equal to 4330, मतलब 11x plus 6y is equal to 4330। और फिर बोला हुआ है कि 22x plus minus 6y is equal to 5240। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या बोलता है कि ऐड कर दो सीधा। तो आपने ऐड कर दिया, इसको लिख दिया उधर पे एडिंग, तो लिख दिया आपने एडिंग, और फिर ऐड कर दो इसको। तो 11x उसने ऐसा लिखा है अपना सब कुछ, 11x 6y is equal to 4330, और फिर लिखा हुआ है 22x plus 6y is equal to 5240। ऐड करने के टाइम पे ऐड करेंगे, यहां पे साइन अलग रहेगा, आप उसको काट देंगे, यहां पे आ जाएगा आपका 33x। फिर यहां पे आपको बॉक्स पहला बना के दे दिया है, इसमें ये प्लस करना रहेगा, बहुत सिंपल है, 0 7 7 और 7, हाँ 4 plus 3 7, 3 plus 2 6 और 5 plus 4 9, आ जाएगा 9670। याद रखना क्या रहेगा आपका इधर पे, 9670, 0 plus 0, 3 plus 4 7 हो जाएगा, 3 plus 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5। गलती नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं करो। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। अब क्या करेंगे, अब यहां पर उसने ना सीधा कर दिया, इधर पे बताने बोल दिया कि बताओ जरा x कितना है, सीधा बताने बोल दिया अपने को। ठीक है, लेकिन अपने को पता है कि इसके बाद हम लोग को डिवाइड में जाएगा। तो अगर आप जब इसको डिवाइड करेंगे,
आप इसको लेके गए इसके नीचे डिवाइड करने के लिए, अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका इस बॉक्स के अंदर आएगा 290। ठीक है, इसको आप लेके गए इसके नीचे डिवाइड करें। वो आप पेंसिल से काम करना, जब आपको कुछ रफ काम करना है जैसे कि जो इसको दिखाना नहीं हम लोगों को, तो आप पेंसिल से काम करना। एक और बात, बॉक्स वाले क्वेश्चन को, एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन को हमेशा पेन से सॉल्व करने का, कभी भी पेंसिल से सॉल्व करना नहीं। अगर आप समझो आप ऐसा करते हो कि गलती हो रही है आपकी सॉल्व करने के अंदर और आपने उसको पेंसिल सॉल्व करना शुरू कर दिया, आपने पेंसिल से सॉल्व किया, लास्ट में बहुत कम टाइम बचा, आपने पेन से ट्रेस करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ टाइम हुआ कि पेपर ले लिया और हम लोगों ने अच्छा खासा अपना छोड़ दिया पेंसिल से ही लिखा हुआ, तो बोर्ड विल नॉट एक्सेप्ट द राइटिंग विच इज रोटेन बाय पेंसिल। याद रखना, तो आप पेन से ही लिखना, भले ही गलती क्यों ना हो जाए आपका, आप पेन से लिखना, सोच समझ के लिखना, अच्छे सीधे सीख के चले जाओ, खत्म। ठीक है, तो यहां पे इतना हो गया। फिर आगे अपने को बोला हुआ है कि बताइए जरा सिक्स में, फिर इसने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, सब्स्टिट्यूट पता है ना, यही इक्वेशन लिया इसने, कौन सा वाला लिया है, प्लस वाला, तो उसने लिया है 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330। आप जब पुट करेंगे तो 11 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 290, उसने वैसे ही किया है, प्लस 6y इज इक्वल टू 4330, ओके 4330। अभी क्या करना रहेगा, अब इसके आगे देखो क्या करेंगे हम लोग। अभी अपने को बोला हुआ है कि इसमें सीधा बोला हुआ है, इसमें 6y बताइए क्या है, 6y बताओ क्या है, तो अब क्या करेंगे बताओ जरा। अभी हम लोग को पता है कि हम लोग को पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसको यहां पे भेज देंगे, फिर जो आंसर आएगा आपका वो आपका आंसर इस 6y के अंदर आएगा। तो हम लोग रफ वर्क करेंगे, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 0 0 0, 11 9 99, 9 ऊपर चले गए, 11 2 22, यहां पे आ गया आपका 3190 और प्लस 6y इज इक्वल टू 4330। ये इधर पे इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 4330 माइनस 3190। आप माइनस कर दो इसको अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, 0 में से 0 कर दो 0, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे कैरी ले लेंगे, तो जाएगा 13 में से 9 क्या बचा 4, 2 में से 1 गया तो बचा 1 और 4 में से गया तो 1 बच गया। इधर पे ये आपका यहां पे आएगा, फिर आपको सीधा बोलेगा वो मालूम क्या है, बताओ जरा ये कितना है, तो आपको हम पता है ना कि अभी डिवाइड करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू 1140 डिवाइड बाय 6, 6 1 6 6 1 6 6 9, आपका आंसर आ जाएगा 190। बहुत ईजी है एकदम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखने का अपने को। ठीक है, इसको मैरेज कर दूं, ये भी इरेज, ओके देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, अपने को बोला हुआ है कि एक एपी है आपका, एपी दिया हुआ है -11 -8 -5 और so on 49, ओके ध्यान से देखेंगे इसको। फिर बोला हुआ अपने को कि एपी को हमने रिवर्स कर लिया, उसने रिवर्स कर दिया एपी को, मतलब इसको पहले लेके आ गया, तो 49 पहले आ गया, डॉट डॉट रहेगा, क्या रहेगा फिर अपना -5 फिर -8 फिर -11। ठीक है, अब वो बोलता है कि वो दिस इज एन एपी, एक एपी हो गया है, वी हैव टू फाइंड फोर्थ टर्म दैट इज T4। अपने को निकालने बोला है, T4 निकाल के दिखाइए कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिंपल हम निकाल के दिखाएंगे, आपको टेंशन मत लो सर। आप ए रहेगा, ए इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू क्या, आप बताइए जरा इसका ए क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू बॉक्स बना दिया है, तो पहला टर्म ही होता है ना अपना, तो हो जाएगा 49। फिर अपने बोला हुआ है कि डी इज इक्वल टू बॉक्स है, तो डी क्या रहेगा आपका, नहीं पता तो निकाल लो ना, इसको इससे माइनस कर दो, -8 -5, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, देखो ऐसा -8 -5 -+ करेंगे तो माइनस करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रफ वर्क हो गया आपका, इरेज कर देना पेंसिल से कर कर, ये आपका डी -3 निकल गया। फिर अपने को निकालना है T4 निकालना है, वेरी गुड। फिर पहला बॉक्स है TN में, और वो बॉक्स के अंदर बना हुआ है फॉर्मूला, इसे लिखा हुआ है, तो समझ जाना एकदम सिंपल सा काम है फॉर्मूला लिखने का है, TN इज इक्वल टू a+n-1 the whole d, सिंपल सा फॉर्मूला है। फिर अपने को सीधा T4 निकाल दिया, उसने खाली बीच में ऐसा पुटिंग किया उसने कि T4 इज इक्वल टू a अपना है क्या, a अपना है 49 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल 4 माइनस 1, और यहां पे दे दिया d अपना -3, उसने ऐसा कर दिया और सीधा बोला है बताओ T4 अपना आंसर आ गया, ये अपना सीधे इसने कर दिया। अपने को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम सॉल्व करेंगे, देखो कैसा, 4 में से 1 क्या बचेगा 3, और फिर 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बताया था मैंने आपको पहले मल्टीप्लाई करना, 4 में से 1 क्या 3, 3 × 3 9, लेकिन -9, तो 49 - 9 क्या हो जाएगा आपका 40, ये आ गया आपका आंसर, तो आ गया आपका 40 आंसर,
ठीक है, ये आपके आ गया क्वेश्चन नंबर टू के बॉक्स का। देखो इसके अंदर चार बॉक्स आपको खाली मिलेंगे, एक दो तीन चार दो मार्क्स, एक दो तीन चार दो मार्क्स, आपका दो क्वेश्चन हो गया। अब देखते क्वेश्चन नंबर थ्री, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है अच्छे से ना, वेरी गुड। अब देखिए अपने को बोला हुआ है कि क्लास है उसके अंदर 48 स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स है उसके अंदर 48 स्टूडेंट्स है, तो लिख देते टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 48, टोटल बच्चे कितने हैं 48, ठीक है जान दो हाथ से गिर गया, इसको मत कमेंट कर देना। और अपने को बोला भाई चार बच्चे चश्मा पहनते हैं जिसको हम लोग चश्मिश बोलते हैं ना, तो चार बच्चे बेचारे ऐसे जो चश्मा पहनते हैं, तो बेचारे है क्या उन लोग, हाँ तो स्पेक्स वाले बच्चे कितने हैं, स्पेक्स स्टूडेंट्स कितने, जरा देखो लिखा हुआ है बेटा, मेरे को कोई भविष्यवाणी नहीं है, मुझे नहीं पता कौन से स्कूल की बात है, लिखा हुआ है इधर पे कि चार बच्चे अपने स्पेक्स यूज करते हैं। फिर अपने को बोला हुआ है तो हाँ, तो हम लोग एक चीज तो निकाल सकते हैं ना कि कितने बच्चे स्पेक्स यूज नहीं करते, हम लोग का काम है कि निकालना कितने बच्चे स्पेक्स नहीं यूज करते, तो ठीक है ना, स्पेक्स नॉट यूज इज इक्वल टू 44, 48 बच्चे टोटल थे, चार चश्मा पहनते हैं, चार नहीं पहनते चश्मा, तो अंधे हो गए उन लोग, तो जाएंगे 44, तो चश्मा नहीं पहने वो अंधे हो जाएंगे क्या, वो इसका मतलब है 48 बच्चे चश्मा नहीं पहनते, 48 टोटल बच्चे हैं, चार बच्चे चश्मा पहनते हैं, फिर जो बच जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे वो बच्चे जिनके पास चश्मा नहीं है, ठीक है, उनके माँ बाप उनको एफर्ट करके नहीं देते। फिर उसने लिखा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 48, फिर अपने को बोला एन ऑफ एस बताइए, तो एन ऑफ एस क्या रहेगा बताओ जरा, टोटल नंबर ऑफ क्लास बुक्स स्टूडेंट्स कितने 48 है, ओके। फिर अपने को बोलता है कि ए ऐसा इवेंट है जहां पे जो बच्चे लोग स्पेक्स नहीं पहनते, तो ए ऐसा इवेंट है जिसमें बच्चे स्पेक्स नहीं पहनते, चश्मा नहीं पहनते, तो वो कितने रहेंगे जरा बताइए मुझे, ये भी आपका बॉक्स के अंदर ही है, वो रहेंगे 44, इसीलिए मैंने आपको पहले ही निकलवा दिया कि आप सीधा पुट कर दो इसके अंदर। फिर अपने को बोलता है पी ए बताइए, पी ऑफ ए, जो कि उसने ऐसा बॉक्स बनाया है और आपको लिख दिया है फॉर्मूला है ये, तो फॉर्मूला बताओ क्या रहेगा, जितना हमारा मार्क्स आता है उसको डिवाइड कर दो टोटल मार्क्स से, हमारा जितना मार्क्स आता है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से, ठीक है। उसके बाद फिर सीधा अपने को पी ऑफ ए निकालने बोला हुआ है, सीधा आंसर बता देने क्या रहेगा, तो एन ऑफ ए मतलब, एन ऑफ ए मतलब 44 और एन ऑफ एस क्या रहेगा 48, आप इसको काटेंगे तो 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 2 मतलब आपका मेन आंसर रहेगा 11/12, और इसी चीज को आप लिखेंगे किसके अंदर, बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स अंदर नहीं आएगा, इसके रिप्लेसमेंट में इसको लिख देना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू का ए खत्म होता है, इसको आप लिख देख लो अच्छे से, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू का बी, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर टू का बी, इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सॉल्व वाला एक्टिविटी वाला नहीं है, सॉल्व वाला क्वेश्चन है, ठीक है ध्यान से देखना। इसका क्वेश्चन नंबर वन पहले करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर वन में देखो क्या बोलते हैं हम लोगों को, बोल रहा है कि अगर एक्स है आपका 5 तो एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 5, और आपको बोलता है वाई इज इक्वल टू 3 तो वाई इज इक्वल टू 3, फिर बोल रहा है आपको इज द सोल्यूशन ऑफ 3x, ये सोल्यूशन है किसका 3x, इक्वेशन बोल दिया आपको 3x² + ky = 3, और आपको बोल रहा है निकालिए जरा k कितना है, तो फाइंड k निकालने बोल रहा है आपको, ध्यान से देखना, अभी पुट कर देंगे इसके अंदर, तो लिख देने का पुट x इज इक्वल टू 5, ऐसा मत लिखिए सीधा पुट कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 3 × 5 + k × 3 = 3, ठीक है। देखो x कितना है 5 है, तो हम लोग ने 5 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे k इंटू वाई मतलब k इंटू 3 = 3, 3 × 5 = 15, k इंटू 3 क्या हो जाएगा आपको 3 k हो जाएगा, प्लस तो होएगा नहीं ना, वो मल्टीप्लाई तो होएगा नहीं, तो 15 अगर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका, तो 3 k = 3 - 15, तो 3 k = क्या हो जाएगा -12, तो k = -12/3 काट दिया हम लोगों ने, तो k = आ गया आपका -4, तो आपका आ गया k - 4, ठीक है, यहां पे आ गया आपका वन, क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में बोलता है अपने को सॉल्व, सॉल्व करो आप 5x² - 2 5x² - 22x - 15 = 0, क्या बोलता है 5x² - 22x - 15 = 0, बहुत इजी इक्वेशन है, बहुत मजा आएगा करने में इसको, ध्यान से देखना।
आप इसको देखो, इसके अंदर अपने को स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं इसके अंदर, आप कौन सा भी टर्म यूज कर सकते हैं, कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर लो, आप चाहो तो इसके अंदर फैक्टराइजेशन यूज कर लो, आप चाहो तो इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला मेथड, लेकिन हम लोग सबसे ईजी यूज करेंगे। तो ईजी होता है अपना फैक्टराइजेशन, तो लिखने का इधर पे बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड देखिए क्या बोलते रहे, ध्यान से देखना, 5x² - 22x - 15 = 0। ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई करने का, हमेशा जो भी इधर पे नंबर है हमेशा इससे मल्टीप्लाई कर देने का। 15 × 5 = 75। अब मल्टीप्लाई करके 75 आना चाहिए और प्लस माइनस करके आपका आना चाहिए 22। तो यही होता है, देखो जरा 25 3 देखो 25 अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 75। और देखिए यहाँ पे माइनस मेंसर चाहिए, तो बड़ा नंबर माइनस देंगे छोटा वाला प्लस देंगे, तभी देखो ना प्लस माइनस माइनस 25 से 3 गया तो 22 आ गया, और बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस आ जाएगा। तो क्या लेंगे हम लोग इधर पे 5x² - 25x + 3x - 15 = 0। सिंपल है बहुत ज़्यादा, ऐसा इसको इसको अलग करके इसको मिटा कर ये लिख देंगे, क्योंकि हम लोग इसके बदले ये लिख सकते हैं। अब इसको दो दो टर्म ले लेंगे हम लोग ऐसा। अब पहले इसको देखेंगे, ध्यान से देखना, इन दोनों के अंदर 5 नंबर है, हाँ है, देखो सर 5 भी है 25 भी है, तो दोनों में क्या कॉमन निकाल सकता हूँ 5, क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है। फिर दोनों में वेरिएबल है, हाँ है, इसमें x है इसमें x है, तो आप एक x बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे 5 बाहर आ गया, 2x का है, 1x बाहर आ गया, तो 1x बचा, फिर माइनस 5 × 5 = 25, x तो बाहर आ गया, तो इधर पैसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं, यहाँ पे दोनों में वेरिएबल है नहीं है, देखो इसमें x है इसमें x नहीं है, लेकिन इसमें दोनों में नंबर है ना, तो इसमें से कौन सा नंबर बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, 3, क्योंकि 3 के टर्म में 15 आएगा, तो आपने 3 बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे एक साइन आएगा, वो साइन कैसे आएगा बहुत टिकी टर्म से बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा देखकर। फिर यहाँ पे 3 बाहर आ गया तो बचा x, फिर माइनस का माइनस, ये माइनस है यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने, माइनस का माइनस, ये जो माइनस यहाँ पे लगा दिया माइनस का माइनस, और 3 × 5 = 15, सेम होना चाहिए हमेशा ही। अब साइन क्या लगेगा सर इसके अंदर, माइनस माइनस प्लस, इस वाले साइन को लास्ट वाले साइन से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इधर पे लिख देने का। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो माइनस प्लस माइनस जैसा आपको रहेगा, बस ये दोनों सेम होना चाहिए। सबसे पहले आप ये सेम कर दो, जो कॉमन निकालते उसको निकाल दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा आपको यहाँ पे साइन लगा देना, सेम हो गया, इज इक्वल टू जीरो रहेगा ये। अब एक्स माइनस फाइव एक बार आपका जीरो है, एंड या तो फिर सिंपल थोड़ा सा और लिखते आगे, एक आपका कॉमन आ गया x माइनस फाइव, और एक कॉमन आ गया आपका 5x + 3, और ये बराबर रहेगा आपका जीरो के। फिर एक बार आपका x माइनस फाइव जीरो है, एंड एक बार आपका 5x + 3 जीरो है। ठीक है, अब माइनस फाइव इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, आपका एक आंसर आ गया, और एंड यहाँ पे माइनस 3 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 3, और फिर 5 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका x का आंसर क्या आ जाएगा, -3/5। ये देखिए आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, बहुत इजी था एकदम। ठीक है, अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन इसका। कोई भी अगर डाउट रहता आपको तो प्लीज कमेंट करना मेरे को, और कोई भी अलग टॉपिक पढ़ाना रहा आपको कि सर आप ये वाला टॉपिक भी पढ़ा दो, मुझे ये भी समझा दो, तो मैं वो भी कमेंट करना, मैं आपको उसका भी वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो आपका दो क्वेश्चन हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड द थ्री नंबर, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखना इसको। फाइंड थ्री नंबर बिटवीन 17 और 27, 17 और 27 के अंदर अपने को 3 नंबर ढूंढना है, इतना इजी क्वेश्चन। अरे है ना सर 18, 19, 20 या 20, 21, 22 या 23, 24, 25 या 24, 25, 26, आ गया 3 नंबर। सवाल पढ़ो पूरे पूरा, पहले ही खुश हो गए। फाइंड थ्री नंबर बिटवीन 17 और 27 सच दैट दे आर इन एपी, उन लोग किस में अंदर है, एपी के अंदर है, और किसके खाली आपस में एपी नहीं है, जैसे आपने बोल दिया सर 18, 19, 20 है, देखो सर 18 और 19 में 1 का फर्क और 19 और 20 में 1 का फर्क, नहीं नहीं रे, आपका 17 और 27 के साथ भी वो एपी में रहेंगे, मतलब सबका जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। और आपको बोला हुआ है कि इसके बीच में है, बिटवीन, बिटवीन मतलब किसके बीच में, बताओ जरा, 17 और 27 के बीच में है उन लोग, कितने नंबर है, 3 नंबर। तो अगर मैं इसको बोलूं T1 तो इधर पे क्या रहेगा, T2 शायद से होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे होगा T3, यहाँ पे होगा T4, तो ये कितना हो गया अपना T5, बहुत इजी है, समझ गए नहीं समझ गए,
अपने को बोला यही है ना कि इन दोनों के बीच में तीन ऐसे नंबर है जो कि एपी में इन दोनों से। तो T1 क्या आपका बताइए जरा, A, और वो क्या आपका 17, और लास्ट नंबर बताओ क्या होता है, वो TN होता है, लेकिन TN कितना देखो 27, लेकिन अपने को पता है कि TN का है N क्या है, क्या N बताइए जरा 5, तो हम लोग लिख देंगे इसको T5 = 27। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे इसका TN का, तो TN इज इक्वल टू, और तो कुछ पता नहीं, आप D कैसे निकालोगे, 27 में 17 माइनस कर देंगे, आहा बाद वाले को उसके पहले वाले से माइनस करते, लेकिन है ही नहीं, तो D नहीं अपने पास, TN n माइनस वन द होल D, ये लिख देंगे आप फॉर्मूला, ठीक है। अब TN क्या है देखो जरा, T5, तो A रहेगा 17 प्लस 5 माइनस वन द होल D। अब T5 क्या बताओ जरा, 27, तो यहाँ पे ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस वन, और D ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। अब 27 में से 17 माइनस को तो आपका आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4D, ठीक है। 5 माइनस 1 4 आ गया D का D, 17 इधर आ गया तो माइनस में हो गया था। देखिए पहले मैंने 77 इसका वैल्यू पुट करा, पहले T5 का वैल्यू 27 पुट करा, फिर 17 को इधर भेज दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे 10 के नीचे क्या आ जाएगा आपका 4, ये बराबर रहेगा आपका D के। अब आप सिवाय डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे इसको, तो 4 2 8 पॉइंट लगा देंगे, 20 हो जाएगा, 4 5 20, ठीक है। तो आपका D कितना आ गया, 4 2.5, ये आंसर है आपका, नहीं ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब इधर पे करता हूँ मैं, दिख रहा होगा आप लोगों को ना, देखना। अब हम लोग को निकालना है T2 T3 T4, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग T2 निकालेंगे, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, डिफरेंस जो होता है बाद वाले को जस्ट पहले वाले से माइनस कर दो, आपका डिफरेंस होता है, सबका डिफरेंस सेम होता है, तो D कितना आपका 2.5। T2 कितना आपका, नहीं पता सर, T1 तो पता है ना बच्चों, हाँ 17, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2.5 प्लस 17 इज इक्वल टू T2। आप चाहो तो बच्चे आप TN का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, वो तीन बार करना पड़ेगा ना इसको, इसीलिए बोल रहा हूँ। माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 19, तो T2 आपका आ गया 19.5, ये आपका T2 आ गया। अब क्या निकालना है T3, तो T3 का रिलेशन किससे रहेगा बेटा, T2 से, तो T3 माइनस T2 ये बराबर रहेगा D के। T3 कितना निकला, 19.5 निकला, क्या नहीं निकला बेटा वो, तो उसको ऐसे ही रखो कोई बात नहीं। T2 कितना निकला भी, जस्ट 19.5, D कितना आपका 2.5, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो T3 इज इक्वल टू 2.5 प्लस 19.5, प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 22, तो आपका T3 कितना आ गया 22। अब क्या निकालना है, T4 निकालना है, तो मैं यहां कर देता हूं इसको, यहां करता हूं, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना, यहां पे कर देता हूं मैं, ध्यान से देखना, अपने पास T3 है। अब T4 माइनस T3 इज इक्वल टू, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका D। अब T4 कितना नहीं पता, T3 तो पता है ना जस्ट, 22 ये बराबर किसके रहेगा, D के। D कितना निकला अपना 2.5, ठीक है। फिर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका T4 इज इक्वल टू 2.5 प्लस 22। अब आप प्लस कर दो इसको, तो 22 प्लस 24.5, समझ में आएगा अच्छे से आपको, प्लस कर दिया हम लोग 22 आ गया, तो देखो तीन नंबर आ गए ना अपने पास। देयरफॉर द थ्री नंबर्स आर 19.5, 22 एंड 24.5। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 2B का 1, 2 और 3 कवर हो जाता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या रहेगा, इसमें लिखा हुआ है कि 26 कार्ड बियरिंग 1 इंग्लिश लेटर एंड केप्ट इन अ बॉक्स। आपके पास एक बॉक्स है, 26 कार्ड्स है, 26 पत्ते हैं, और हर पत्ते के ऊपर ABCD लिखा हुआ है, एक पे ए लिखा रहेगा, किसी पे बी लिखा रहेगा, किसी पे सी लिखा रहेगा, तो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 कार्ड दिया हुआ अपने को, ये बात खत्म हो गया आपका। मतलब आप सैंपल से बनाना चाहो तो कैसे बना सकते, एस इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा डी, ओए होए होए इस तरह तो एकदम रैपिंग करने लगते, हाँ तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा एट, आप ऐसा करें जब तक कर लेंगे, देखो कैसा, ए इज इक्वल टू ए नहीं एस ना, तो S इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा आई कॉमा जे कॉमा के कॉमा एल कॉमा एम कॉमा एन कॉमा, ऐसा करते करते अब जेड तक ले लेना इसको, ठीक है। ये आपका रहेगा, आपका जेड तक लिख लेना, तो आपका N ऑफ S कितना आ जाएगा 26। जेड तक लिखना आप, ऐसा मत करना, ऐसे तोड़ मत देना लाइन्स में,
आप इधर तक लिख लेना पूरा उसको। फिर इसके अंदर अपने को बोलता है कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम, आप एक बार में हाथ डाल के एक ही बॉक्स निकाल सकते हैं, आप एक हाथ एक बार हाथ डाल के एक ही बॉक्स निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा भागना नहीं अपने को, गुच्छा मार के निकाल के, कोई पैसा वैसा नहीं है वो, एक टाइम पे एक निकालना है, ठीक है। तो अपने को बोलता है कि अगर आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वॉवेल्स कितने बार निकल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स कार्ड कितने रहेंगे। तो वॉवेल्स क्या होते हैं, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश के अंदर एक होता है कॉन्सोनेंट, दो टाइप होते हैं इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट में, अल्फाबेट दो चीज़ों से बनता है अपना, अल्फाबेट में दो चीज़ रहती है, एक रहेगा आपका कॉन्सोनेंट्स और एक रहेगा आपका वॉवेल्स। तो वॉवेल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बचे हुए जितने रहेंगे वो सब क्या रहते हैं अपने, कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21 और वॉवेल्स होते हैं अपने 5, ठीक है। तो ए क्या रहेगा आपका, ए रहेगा, आई रहेगा, ए ई, ए ई आई ओ यू, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा इसका 5। तो प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है, इतना नहीं निकालने बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है आपको। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए कितना आपका 5 है, एन ऑफ एस कितना 26 है, देखो कटता है क्या ये, नहीं कटेगा तो ही आपका आंसर रहेगा, अगर कटता तो काट दो, नहीं कटेगा तो आपको ये आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा निकालने बोल रहे हैं अपने को, डेल्टा बताइए कितना है, और आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। बहुत ईजी है, ध्यान से देखना, कंपेयरिंग विथ कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है ना, तो कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ए कितना बताइए जरा इसका 1, बी कितना बताइए जरा 6, और सी कितना रहेगा इसका माइनस 5। देखो बच्चों, आपने जहां पे साइन का ख्याल नहीं किया ना, तो आपका क्वेश्चन नहीं है ना, आपका ख्याल नहीं करेगा, फिर आप करके आओगे, खुश खुश बोलोगे सर पूरा किया पूरा किया पूरा किया, और फिर ऐसा हो जाएगा। आप साइन का बहुत ख्याल रखना, खाली 6 मत लिख देना। डेल्टा क्या होता है बताओ जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब क्या, माइनस 6 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए कितना आपके पास 1, और सी कितना आपके पास माइनस 5, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। देखो माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 वन जा 4, 4 फाइव जा 20, प्लस कर दो 56 आ गया। नेचर निकालने नहीं बोला हुआ है, वरना इसका नेचर बता देते हम लोग, पार्टन में समझा चुका आप लोगों को इसका नेचर क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। तो अगर नेचर बोलेगा तो नेचर भी लिख देने का, बोला तो हाँ जबर से काम नहीं करने का, ओवर स्मार्ट बनेंगे तो उन लोग चेक नहीं करते पेपर, बहुत टाइम नहीं रहता उन लोगों के पास, इसलिए बहुत ही अच्छा काम करना, छोटा काम करना, कि सामने वाला बोले कि 4 पेजों पर पेपर लिखा, अच्छी बात है, चेक पूरा 40 में 40 मिल जाएगा आपको, तो ख्याल रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पे हम लोगों का खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2 बी, अब करेंगे स्टार्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इसको आप पहले देख लो।